बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गाइस क्या हाल आपके? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है कुमाल, मैं हूँ शिवानी। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो भी हमें रिकमेंडेड है, जिन्होंने हमको ये वीडियो रिकमेंड की है उनके नाम है नासीम अंसारी, अबू सुफियान अंसारी, ट्रू अले सुनत। और ये वीडियो हमने ली है इस्लामिक बयां चैनल से, और वीडियो का नाम है मौलाना इलियास घुमान इस्लामिक बयां। गाइज इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस्लामिक बयां। इनके चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और गाइज दो चैनल हैं, आप प्लीज़ इनको एक बार वॉच आउट कीजिए। एक तो है बलोचिस्तान ट्रैवल गाइड और एक है घनी बेहरा। घनी बेहरा तो ये दोनों ही पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और एक तरह से ब्लॉगिंग का इनका चैनल है, तो इनका लिंक मैं अब हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लीज़ आप एक बार इनको चेकआउट कीजिए, इनकी वीडियो अच्छी लगे तो इनको भी सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक होता है कुमरा, एक होता है मुजिर, एक है मुजिल जाल और मुजिल, और एक होता है जार और मुजिर। तवज्जो रखना, मैं एक जगह बैठा था और बास उलमा ऐसे आए जो काफिरों को मुसलमान बना रहे हैं। बहुत बड़ी मेहनत है, अल्लाह कबूल फरमाए। तो उनमें से एक आलम थे, मुझे उनने कहा हजरत हमने अपना काम बताया, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं मुसलमानों को ख़राब कर रहा हूँ। मैंने वैसे मजाक किया, मजाक आपके, मैंने कहा आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, काफिरों को मुसलमान बना रहे हैं, मैं मुसलमानों को ठीक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा भैया तो काफिरों को मुसलमान बनाना तो बड़ा काम नहीं है। मैंने कहा मौलाना आपके महल्ले में एक ईसाई है, वो आपके गटर साफ करता है, मस्जिद की लैट्रीनें साफ करता है, पैसे लेता है, नक्काशी ठीक करता है जिससे नमाजी को सहूलत होती है, और एक बंदा आपकी मस्जिद में है जो नमाज़ें पढ़ता है और हर वक्त आपके नमाजियों को ख़राब करता है। मुझे बताएं इन दोनों में से गुमराह बड़ा कौन है? काजी ईसाई, वो काफिर है, ये जो ख़राब कर रहा है तो मुसलमान ना। मैंने कहा आपकी मस्जिद के लिए नुकसान दे ज़्यादा कौन है? काजी ये नमाजी। मैंने कहा आप वो जो गुमराह बड़ा है नुकसान दे कम है उसको ठीक कर रहे हैं, और मैं जो गुमराह छोटा है नुकसान दे ज़्यादा है उसको ठीक कर। ये मेरी बात बेटा समझो, ये जो मैं कहता हूँ ना फाहम फाहम फाहम, ये समझो। जब ये समझ नहीं आएगी ना बस अपना लोग आपसे कहेंगे असल काम तो ख़त्म नबूवत का है, वो तुम गैर मुकल्ले बरेलवी अहले हदीस क्या कर रहे हो, असल काम तो शिया हैं, तुम किस काम में लगे हो? आपको शक पड़ेगा शायद हमारा काम ठीक नहीं, आपको शक पड़ेगा हमें नहीं पड़ता। जब आपको बात समझ आ जाएगी ना फिर उलझन नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ रब्बी शराह ली सदर, जो काम करते हैं अल्लाह ये काम हम पे खोल दे। मैंने कहा बात समझो, एक है कि जाल और मुजिल बड़ा कौन है, और एक है जार और मुजिर बड़ा कौन है। आप उनको हिदायत पे लाते हो जो जलालत में बड़े हैं, हम उनकी बात करते हैं कि जो शरारत और फितने में बसा बात बढ़ जाते हैं। मैं एक और मिसाल देता हूँ, आप एक मस्जिद के इमाम और खतीब हैं, आपका माशाल्लाह काम चल पड़ा है, जब आप आए हैं तो कुछ भी नहीं था, लोग नमाजी बन गए हैं, लोग दाढ़ियाँ रख रहे हैं, आपका हलका बढ़ रहा है, इस हलका बढ़ने से चंद दीनदार लोग परेशान हो रहे हैं, चंद दीनदार सर पे पगड़ियाँ माथे पे मेहराब लंबे चोले चिट्टे कपड़े, ये अब फिक्रमंद है कि इस मौली साहब को यहाँ से निकाले कैसे। मौलाना साहब ये मोटरसाइकिल कहाँ से लिए? आपने एसी क्यों लगवाया? इतनी तनख्वाह नहीं तो बिल कौन देगा? आप हर रोज जहाँ काटन का कपड़ा पहनते हैं कहाँ से पैसे आ रहे हैं? इनका पूरा प्लान है कि अब इस मौली साहब को निकालें कैसे। मौलाना साहब जुमा पढ़ाया, जुमे के बाद लोग बैठे,
इन महल्ले के 10 बंदे इकट्ठे कर लिए, भाई मौलाना साहब से हिसाब लो, मोटरसाइकिल कहाँ से लाया, एसी कैसे चल रहा है, सफ़ेद कपड़े कहाँ से पहन रहे हैं, ये है वो है, बात करो इनसे, ये बैठे हैं। मौलाना साहब ने बातें सुनी, परेशान होकर बाहर निकले। बाहर निकले तो चौक पर एक बंदा बैठा हुआ है, बैठ के वो हुक्का पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, और हो सकता है उसने सिगरेट में चर्स भी पी रहा हो। अस्सलाम वालेकुम, मौलाना साहब क्या हाल है? ठीक है, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? नहीं नहीं कोई बात नहीं। नहीं फिर भी हुआ क्या, आपको बताएं? नहीं नहीं फिर भी। मौलाना साहब बैठे बैठे चाय पिए, बात है तो बताएं। मौलाना साहब कहते हैं, यार बात कुछ भी नहीं, देखो मैं इस इलाके में आया था, कुछ भी नहीं था, नमाजी बने हैं, मस्जिद बनाई है, एसी लगवाए हैं, जब काम बढ़ गया है तो हमारे ही चार नमाजी मुझे निकालने की फिक्र में। अच्छा मौलाना साहब देखो, मैं सूद भी खाता हूँ, मैं शराबी हूँ, मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ ना, किसी की जरूरत नहीं तो मैं मस्जिद से निकाले, कोई मसला हो ना मुझे बताना, मैं चलता हूँ वही मस्जिद में जाकर। खबरदार, किसी ने मौलाना के खिलाफ बात की, आपने मुझे क्रॉस करके मौली साहब तक पहुँचना है। मुझे ईमान के साथ बताओ कि मौलाना साहब को प्यार उन नमाजियों से होगा या इस बेनमाजी से होगा? जलालत में ये बड़ा हुआ है, लेकिन दीन को नुकसान देने में ये चार नमाजी बड़े हुए। आप देखेंगे कि गुमराह कौन है, ये नहीं देखेंगे मुजिर कौन है। वो नमाजी हैं लेकिन मुजिर हैं, दीन का नुकसान कर रहे हैं, उलमा खिलाफ बातें कर रहे हैं, पूरे माहौल को तबाह कर रहे हैं। तो बात समझ आ गई, एक होता है जलालत में बढ़ना और एक होता है जर और नुकसान देने में बढ़ना, ये दो चीज़ें अलग होती। हाँ जी बताओ वो वर्ड लेने नहीं आ रहे इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ, तुम बताओ। ठीक है, तो मौलाना साहब ने बेसिकली यही बताया, पहले एक एग्जांपल दिया कि एक ईसाई है कि किसी से पूछा इन्होंने कि आप क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा कि हम काफिरों को कन्वर्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स इस्लाम, ये बड़ा काम है, हम ये कर रहे हैं, आप क्या करते हो? मौलाना साहब से पूछा, मौलाना साहब क्या कहे कि भाई मेरा काम है कि जो ऑलरेडी मुसलमान हैं उनको मैं सुधार रहा हूँ, ये मुश्किल काम है, जो ऑलरेडी है ना उनको मैं सुधार रहा हूँ। एक बार ना मेरे को एक ऐसी एक चीज़ याद आ गई, कभी कोई एक बंदा कुछ सीखने गया था, तो जो वो का टीचर था तो वो उनको कह रहा था कि मुझे ना ये चीज़ सिखा दो, तो टीचर ने कहा कि तुम्हें जो भी आता जितने में आता तुम्हें एक बार बजा के दिखाओ, सपोज गिटार बजा के दिखाओ। फिर ने थोड़ा बहुत बचाया, ये किया वो किया, और उसके बाद वो अपने टीचर को ही बोलने लग गया कि इससे ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। तो टीचर ने कहा बेटा आप पे ना थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको गलत चीज़ें आती हैं, आपको नहीं आता तो मैं आपको बहुत जल्दी सिखा देता, बट आपको गलत आता है तो पहले जो गलत आता है वो भूलना पड़ेगा, फिर नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं है, बट जो ऑलरेडी है उनमें जो गलतियां हैं या जो गलत चीज़ें वो सुधार करना, वो चीज़ मुश्किल है। जो दूसरा एग्जांपल दिया कितना बढ़िया एग्जांपल था, बहुत बढ़िया था। हाँ, कि मौलाना साहब के ही वो पहले कुछ कोई नहीं था वहाँ वहाँ पर, कहीं मौलाना साहब कहीं पर गए होंगे, इन्होंने कहाँ पूरा सब कुछ बिल्ड किया, मस्जिद बनाई, वहाँ बयान दिए, लोग आए, लोग फिर दीन की तरफ लोग आए, तो उनमें से कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मौलाना साहब आप हट जाओ, या ऐसा कुछ करना कर दिया कि एसी कहाँ से आ गया, ये सब कहाँ से आ गया, उनको और दूसरी दूसरी बातों से ट्रॉल कर रहे थे कि आप रोज नए कॉटन के कुर्ते वगैरह पहन रहे हो तो ये कहाँ से आ रहे हैं, आपने एसी लगवा दिया तो इसका बिल कैसे पे करोगे आप, या ऐसी और भी चीज़ें, तो मौलाना साहब परेशान हो गए, है ना। देखो मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, अगर आप के पास अगर वो चीज़ है, फंड हैं, तो आप कर सकते हो, लिमिटेड आप कर सकते हो। पहले जब कुछ नहीं था तो ऐसा भी आया हुआ कि बिना पंखे में भी सोए होंगे, ऐसे हालात भी थे कि जब कुछ नहीं होगा तो पंखे चलाने का भी पैसा नहीं होगा, वो हालात भी थे। धीरे धीरे हालात सुधरे, लोग आए बैठे, तो फिर बंदा आगे आगे फिर तरक्की पर जाता है यार, बैकवर्ड थोड़ी ना जाएगा, आगे आगे बढ़ेगा। अब धीरे धीरे आगे एसी से आगे जो अच्छी चीज़ आएगी तो फिर बंदा उसकी तरफ जाएगा, या सपोज कपड़े में कुछ अच्छा आएगा तो उसकी तरफ बंदा जाएगा। तो हम सब आगे जाने के लिए, पीछे मुड़ने के लिए थोड़ी ना। तो ऑफ कोर्स जो भी होता है वो
पहले कम लेवल पे होता है, उसके बाद धीरे 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 अप होता है, और श्योरली ऐसा ही होता है, ये फैक्टेड चीज़ है। जब वो बंदा थोड़ा सा हाई होता है तो लोग बातें बनाते हैं, बट लोग ये नहीं देखते कि वही चीज़ जब शुरू में मेहनत करी तो किस सिचुएशन में करी, भर पेट रोटी खाई नहीं खाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं मैटर करती। ये लोग देखते कि भाई इतना पैसा आ गया, अब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये चीज़ कर कर वो सोचते हैं लोग। मतलब होता है ना, एक तरफ किसी बंदों को सक्सेस मिल जाती है ना, तो फिर बंदे दिखते हैं अरे इससे सक्सेस मिल गई, इनके पास बहुत पैसा है, देखो ये क्या क्या करते हैं, इन्होंने गाड़ी ले ली, ये ले लिया, ये तो पैसे बर्बाद करते हैं। और जब नहीं होता ना तब भी बोलते हैं ऐसा कि इसके पास तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ये ये करेगा, इसे कुछ हो नहीं सकता, ये वो वगैरह वगैरह। और जब वो अपने उस लेवल पे आ जाता है तो दूसरी तरह से, मतलब वो ये है कि अगर इस तरफ से हो तो भी नहीं दोनों तरफ रहने देना ढंग से, उस तरफ हो तब भी नहीं रहने देना ढंग से। तो इसका इलाज यही है कि आप पॉजिटिव चीज़ें ढूंढो, जो चीज़ें नेगेटिव हैं उसे इग्नोर कर दो। वो एग्जांपल नहीं सुना कि पानी का गिलास आधा भरा होता है, तो क्वेश्चन पूछते हैं क्या ये आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। हाँ। तो आधे लोगों को वो आधा भरा हुआ दिखाई देता है और आधे लोगों को आधा खाली दिखाई देता है। उस चीज में मेंटालिटी बहुत दिखती है, जो आधा भरा जिनको दिखता है वो पॉजिटिव वे में जाएंगे, जो आधा खाली दिखेगा वो नेगेटिव वे में चले जाएंगे। हालांकि दोनों ही ठीक है बट नजरिया अलग अलग है। तो जितना कोशिश हो सके पॉजिटिव ही रहना चाहिए लाइफ में, मेरा तो ये मानना है कि आप देखो मेंटली प्रिपेयर रहो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नेगेटिव क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये चीज़ हमेशा वैसे मैं लाइफ में लेके चलता हूँ कि चलो बुरा हो भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये होगा कोई बात नहीं, जो होगा भगवान का नाम लेके देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा देखो, सोचो अच्छा हुआ तो ये होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो पॉजिटिव वे की तरफ थोड़ा ज़्यादा लेके चलना चाहिए। कि मौलाना क्या मतलब अच्छे, मतलब एकदम सुकून तरीके से बता रहे हैं, प्यार से बता रहे हैं, बहुत सही बता रहे हैं। मतलब मौलाना को भी लोगों ने कहा कि आप क्या समझा रहे हो, आप क्या तो इन्होंने कहा भाई मुझे पता है, क्लियर है। वो ही समझाने के लिए इन्होंने दो एग्जांपल दिए थे कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज के को लेकर, उस हिसाब से इन्होंने दो एग्जाम्पल दिए। मुझे वैसे सेकेंड एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आया। सही है, गुमराह और एक वर्ड और था। हाँ, इन्होंने कुछ और वर्ड बोला था वो, बट हम उसका मतलब समझ गए, वर्ड भले ही ना समझो बट मतलब उसका समझ गए कि आपके पास तीन चार बंदे हैं, वो पूरे दिन पे सब कुछ है बट वो काम अगर गलत कर रहे हैं, आपको कहीं हटाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, और कहीं दूसरा बंदा है और वो पूरी जिंदगी गलत ही किया उसने बट वो उस चीज के लिए आपके साथ खड़ा हुआ है जो सही है, तो फिर मैटर करती है वो चीज। तो चलते हैं गाइस, इस्लामिक बयान से थी ये वीडियो मौलाना इलियास गुमान की, और बस इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे, और हमारा रिएक्शन इस वीडियो पर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा आने वाली नई वीडियोस के लिए। और हमारा नया चैनल है कपल वाला रिएक्शन, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी हैं कुछ वीडियोस, तो आप चेकआउट कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।